आज मुखातिब आयो भेण शोभा चंदानी सा मुसा गड कैमरा डायरेक्टर राजेश मनवाणी अस राम जवाणी साहब के ऑफिस में वेठा आयो अस कालरा साहब भी गडो आन जो लिंकिंग रोड लायंस क्लब जो प्रेसिडेंट आन जैमें सब मेंबर सिंधी आन अस इन एक सुठे सामाजिक वातावरण में अज उत मौजूद आयो ए भेण शोभा से गाल बोल कर रो आया छोजो अहां पिता साहब श्री गोविंद माली साहब के केर न सुणे छोजो जैसे अस पार्टीशन का हिंदुस्तान में आयासे तो असि बोली पैं अस्तित्व ला उन वक्त संघर्ष कर रही हुई असो को साहित्य न हो ए गवर्नमेंट के लेवल से समाज के लेवल से मानून के जागरूक करण ला तकरीर दिनों भगवंती नावाणी जड़ा कलाकार उन्हें तैयार क्या जिंजा वो जन्मदाता चाहिए तो को गलत न थी तुम मकसद है पैनी तो यो चवंदस कि अकादमी दादा पैंजे होंदे ही बर्पा कई हुई दादा चाहो थे कि दादा जो जेको मकसद हो कि सिंधियत के कें न कें नमूने से कायम रखो वे स्पेशली जदे कि पाठक गत आन त कल्चर ए वोकल म्यूजिक के जे वाधारे लाय कम करे प्रोग्राम्स करे नवन नवन कलाकारन के हिमथायण के लिए सन्मानित वे तो दादा जी जो मकसद हो कि सिंधियत के कायम रखो वे उन करे ही दादा पैंजे होंदे ही माली कल्चर अकेडमी जो स्थापन कयो हो असी उन में टे ट्रस्टी आयो श्री राम जवारानी उन अकेडमी जा चेयरमैन है मां अकेडमी जी जनरल सेक्रेटरी आया ए चंद्र मंगनानी असंजा ट्रेजरर हैं असंजे अकादमी सा दादा राम जेठमलानी भी जुड़े लाइन ए असा के वक्त ब वक्त हिमथाइंदा रहंदा हैं दादा मूजमल मंगनानी भी असा के हर तरह सा सहकार दींदा हैं ब्या घणी हैं जैने कि रंजीत बुटानी घणी असंजा कलाकार हैं जेके पिण दादा जे इन देखारियल राह ते हली करे उनन जो सपनो पूरो करन चाहन था प्या लखनऊ पूना अहमदाबाद शहरन में प्रोग्राम करे चुका हूं ए घणनी कलाकारन ए साहित्यकारन के सम्मानित भी कयो असा ए इन दिशा में असी अगते पण कम कंदा रहंदासी तो असे समाज में वो वातावरण सफिशियंट है या तक कमी लगंदी है या लगन अकेडमी जी कम करे थी अड़ी बन संस्थाओं की भी जरूरत है या इन अकेडमी के अना मानन के सहकार की जरूरत है छा महसूस कंदा बिल्कुल सही है कि समाज में अज भी अड़ो वातावरण काने को समझा थी अड़े वातावरण की जरूरत है जिते कलाकार हिमथायो वे सिंधी कल्चर के हिमथायो वे तो मां समझा थी अड़ी संस्थाओं भी होन खपन इवन माली कल्चर अकेडमी के भी वधिक ए वधिक प्रोग्राम करन खपन ए असा के भी बियन का सहकार खपे उन जे लाय ए मां समझा थी जिया त डियो पो डी पाठक घट जना ता वनन सिंधी बोली जा जानु घट जना ता वनन प त साहित्य के पढ़ण वारा त तमाम घट मानू रहे हैं ए अगर असांके दादा सही नब्ज सुनाती हुई समाज जी कि उनके लगो थे कि भाई डीओ पो डी ये पाठक घटजंदा वेंदा ए दादा सही समझो हो कि अगर सिंधियत के बचाइणो आ अगर सिंधी बोली के बचाइणो आ त असांके कल्चरल प्रोग्राम्स वधिक ए वधिक करना पवंदा सिंधी कल्चर के जिंदा रखण जे लाए कलाकारन ए कल्चर प्रोग्राम्स के मां एकड़ो नढ़ो सवाल ताहा का करना चाहिंदम भेण शोभा त दादा जके माली साहब किताब लिखा हन सिंधी में ए उनन जो तो यो मनन हो त डिफरेंट फॉर्म्स में हर साहित्य जी शाखा के उनन पेनो आशीर्वाद दिनो चाहे कहानी हुजे उपन्यास हुजे ए कंटेंट एंड फॉर्म में चोली दामन जो रिश्तो आ यो दादा हमेशा चवंदा रहंदा हा त जने काई रचना लिखी थी वने त उआ पेनी सिंफ पेनी विधा उआ पाण खणी अचे थी वो विचार कहानी में रिफ्लेक्ट थी या वो विचार कविता में इंदो या वो नावेल जो रूप अख्तियार कर दादा जी इन में जो डीप स्टडी हुई उन्होंने थरो नॉलेज हो अज उन्हें जो कोई संसार में सानी को रुगो एतो तुछ चाहम हिंदी जहाँ पाठक वर्ग सभी का वा भारत में पाठक वर्ग जो हिंदी जो है वो सिंधी जो को बेन बोलियन तीन लिटरेचर कें लेखक जो कि पहुँचे
छोजो टू वे कम्युनिकेशन थियण खपे, हिंदी जो साहित्य सिंधी में अचे ऐं सिंधीअ जो हिंदीअ में अचे, पर उहो घटि थी रहियो आहे अनुवाद। त तव्हां एकेडमी जे तरफ़ां का अहिड़ी कोशिशि कंदव जीअं दादा माली साहिब जो साहित्य सॼे मुल्क ताईं, हिंदुस्तान जे हर माण्हूअ ताईं त न, पर इहो चइजे जेके किताब पढ़ंदड़ आहिनि, जेके शौक़ीन आहिनि, साहित्य प्रेमी आहिनि, उहे हिंदीअ जा लखे पाठक, उन्हनि ताईं पहुचण लाइ अनुवाद जे कम खे हीअ एकेडमी अंजाम ॾियणु चाहींदी। तव्हां बिल्कुलु सही चयो कि जेको बि दादा जा नावल या जेके लेख कहाणियूं जेके आहिनि से न सिर्फ़ु हिंदीअ में, मां त चाहींदसि ॿियनि ॿोलियुनि में ऐं स्पेशली अंग्रेज़ीअ में बि तर्जुमो थियणु खपनि ऐं छपणु खपनि। छाकाणि त भल अॼु जी जेका नई पीढ़ी आहे उहा सिंधी नथी ॼाणे, पर जॾहिं उहा अंग्रेज़ीअ में या हिंदीअ में पंहिंजे लेखकनि खे पढ़ंदी तॾहिं उनखे फ़ख़ुरु महसूसु थींदो कि असांजे जातीअ में बि सुठा लेखक आहिनि। त मां चाहींदसि त ज़रूरु तर्जुमो थिए इंग्लिश में ऐं हिंदीअ में, जीअं सभु पाठक पंहिंजे सिंधी न सिर्फ़ु दादा खे ॿियनि खे बि पढ़ी सघनि। हा, तव्हां बिल्कुलु सही चयो आहे कि दादा जा नावल घणे में घणा लिखियल आहिनि ऐं दादा खे नावल सम्राट बि मञियो वेंदो आहे। त दादा जा नावल, राइट, कहाणियूं, लेख ज़रूरु ॿिनि ॿोलियुनि, हिंदीअ ऐं इंग्लिश में स्पेशली तर्जुमो थी छपजणु खपनि।